चलो रिटोपोलॉजी देखने वाले हैं। रिटोपोलॉजी के बहुत से मेथड है, टोपोगन से करो या क्वार्ट से करो या फिर आप अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कर सकते हो। आप एक के ऊपर एक मॉडल करके भी काम कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो लाइक चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ, मैं मैनेज करने के लिए अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं क्या। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कहते हैं मेक लाइफ, ठीक है, मेक लाइफ करने के बाद क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो मैं बस जैसे मैंने क्या किया, सिंपल सा पॉली प्लेन लिया, मैं चीज़ों को मैं अलग वे में मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में मैं मैनेज करके एक साथ फिर से इसका मॉडलिंग का पार्ट में मैं मैनेज कर दूँगा, वही मुझे मॉडल कैसे करना है। ठीक है, तो ये ऐसे करके भी मैं इसका यहाँ पे मैं मैनेज करके दिखाऊंगा, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो कैसे चीज़ को मैं फुलफिल करूँ। लाइक एक सिंपल सा पार्ट आपको फिर से मॉडलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, रिटोपोलॉजी में आपको फिर से मॉडलिंग का पार्ट आता है। ठीक है, अगर मैं इसका मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ तो देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। ये पार्ट आपने किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं फिर से एक मॉडल के ऊपर दूसरा मॉडल करना वो ईजी होता है। देखो यहाँ पे अब मैं आप चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मैं इसका कैसे आ रहा है ये ऐसे कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। तो मैं देखो ये पार्ट कैसे जा रहा है ये इधर को इधर इधर जा रहा है, मेक लाइफ बहुत बढ़िया काम नहीं करता, मैं इसको मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। एक प्रोसेस ऐसे कि आप ऐसे करके काम करो, एक प्रोसेस आप कैसे जैसे क्वार्ट वाला बताया, एक प्रोसेस आपके यहाँ पे जैसे मैं इसी को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लो पॉली बनाता हूँ। तो लो पॉली कैसे बना सकता हूँ, ठीक है, छोटा सा एक क्वार्ट आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक दिस वन शिफ्ट एंड सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर ये अलग अलग पार्ट हैं तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पार्ट को पकड़ते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने जो भी कोई काम कर रखा है, जो भी चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर मैं सबसे पहला पार्ट एजिस, ठीक है, इसको मैंने क्लियर पे लिया, दिस वन एक क्लियर ये हो गया। ठीक है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट बैकअप के लिए मैंने यहाँ पे दोनों को यहाँ पे कहता, यहाँ पे कॉर्ड लेयर को मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो तो मैं बस एक ये पार्ट आने वाला है यहाँ पे, इसमें दो पार्ट नहीं है। अभी मेरे पास पहला काम क्या है, अगर मैं यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास एक कॉर्नर पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। कॉर्नर पार्ट मिस नहीं होने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा लाइक रिमूव वाला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी ये पार्ट देखा आपके यहाँ पे, अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या किया, इन वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट करके देखो, यहाँ से मैंने ऑल्टरनेटिव में एजेस को सिलेक्ट करा पे। ठीक है, जिससे मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे चीज़ों को मैं जब मैनेज करने वाला हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अभी ये सिलेक्ट करके इज इट पॉसिबल मैं इसको सिंपल सा पार्ट रिमूव कर सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अभी आप यहाँ देखो यहाँ पे एजेस कितने हैं, उस यहाँ पे दिस वन वन टू थ्री, आप ऐसे करके भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके चांसेस क्या बनेंगे कि आपका सेगमेंट धीमे धीमे आप कम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल्टरनेटिव आप यहाँ पे आराम से सिलेक्ट करो, इसमें ऑप्शन भी है। ठीक है, मैं काम ऐसे करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया यहाँ पे, ओके, ऐसे मैं जस्ट जस्ट ऐसे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, लूप कर दिया यहाँ पे एंड शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया यहाँ पे। कई जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कई बार जैसे डी क्यू स्टूडियो में क्या होता है, आप वहाँ पे जब रिटोपोलॉजी का प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, जैसे स्कैनिंग होता है ना कि किसी मॉडल का स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करते हैं उसका हाई मैस बहुत आ जाता है, तो उसमें भी आपको ये वाला प्रोसेस वो लोग यूज़ कर लेते हैं क्या, तो उनमें यहाँ पे इन चीज़ के लिए वो मैनुअली आपको डील करना पड़ जाता है, या तो आप रिटोपोलॉजी कर रहे हो या फिर आप ऐसे करके आप मैनेज करने वाले हो कि चीज़ों को कैसे हम लोग बैलेंस करें यहाँ पे, कि क्या क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, भाई लगता है मुझे यहाँ पे आसपास के एक दो एजेस को मैं छोड़ के भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लूप कर दिया यहाँ पे एंड शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया। लेकिन यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पर शेप आपकी ख़राब नहीं होने वाली। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं फिर से मैं वन टू यहाँ पे ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके वन बाय वन करके यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर सकता हूँ। सबसे मेन चीज़ थोड़ा सा पेशेंस चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, अभी यही सेम चीज़ मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ, देखो धीमे धीरे आपके सब कुछ यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, भाई आपके सेगमेंट्स आपके कम होते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सेगमेंट्स कम होने के बाद मुझे यहाँ पे ये बता रहे कि मैं यहाँ पे किस टाइप से चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये पार्ट देखे मैं यहाँ पे, अभी यहाँ से देखो इतने पार्ट की मुझे नीड नहीं है, यहाँ से मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट किया यहाँ पे। मेक श्योर यहाँ पे देख लेने क्या कोई और अनवांटेड चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट ना हो, जैसे देखना अभी ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, लूप कर दिया यहाँ पे, सेफ्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे।
इससे कोई लेने देने, ये जो बीच में सेगमेंट्स है ना कोई लेने देने, मैं कॉर्नर वाले पार्ट को मुझे मैनेज करना है। कॉर्नर वाले पार्ट में मिनिमम 3 एजेस मिनिमम मैं सोचूंगा रखने के लिए, ठीक है, और उनको मैं बैलेंस कर सकूँ कि मेरे पास और चीज़ें आ सके यहाँ पे। आपको ये धीमे 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 आपको इस प्रोसेस को अगर आप ऐड ऑन करते हो तो ये भी एक प्रोसेस है जिसमें आप हाई को लो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये काम माया में कर रखा है तो जी बस के लिए ये नहीं होगा, जी बस का आप मैच लेगा तो उसमें तो आपको वो चीज़ नहीं पड़ती, ठीक है। क्योंकि जब आप बेकिंग करते हो, बेकिंग में आपको मोस्टली जो हाई क्वालिटी जो मॉडल होता है उसमें यही चीज़ मेनली मैंशन किया जाता है। वहाँ पर यहाँ पे एक बीच मैंने एक सेगमेंट छोड़ रखा है, ठीक है, अगर इसकी नीड है तो मैं रखूँगा, नहीं तो अगर मेरे से वो सिंपल स्टेट है, ये मॉडल को देखना है पे स्टेट है ना, तो इसकी भी नीड नहीं है। अगर ये हल्का सा ऊपर नीचे होता ना तो हम लोग इसे होल्ड कर देंगे, चलो इसे छोड़ने की जरूरत है, नहीं तो हम लोग इसको मैनेज नहीं करने वाले, ठीक है। देन आप यहाँ पे को फ्रंट में आकर क्रॉस चेक करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा लगा था ऊपर नीचे है, ठीक है, ये देखा यहाँ पे, ये ऊपर वाला बट यहाँ पे अभी यहाँ पे अप डाउन देख रहा है, तो मुझे इसे होल्ड करने की नीड पड़ जाएगी यहाँ पे, ओके। अभी चलो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे मैं सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स में यहाँ पे कितने एजेस को मैं रखने वाला हूँ, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से, धीमे धीमे करना है, लेकिन ऐसे नहीं एक बार में सोचे कि एक बार में हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। या तो आप रीटोपोलॉजी में एक एक करके आप मैनेज करना स्टार्ट करो, या फिर आप इसका ऐसे धीमे धीमे डील कर दोगे। यहाँ पे सेगमेंट्स धीमे धीमे आपके कम होते जाएंगे, नीट आपको लगे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं देखिएगा आपके यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास मुझे लगता है ये एक, दूसरा ये चला जाएगा और तीसरा यहाँ पे है, ठीक है, ये ध्यान देगा। अभी धीमे देखो आपका सेप खराब नहीं हो रहा है, सबसे मेन चीज़ आपके सेप खराब नहीं होना चाहिए। खराब के लिए आपके यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करके रखा गया, आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करो, यहाँ पे एडिट में गए, डिलीट एंड हिस्ट्री, ठीक है, इसके साथ आपका यहाँ देखा। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को जब मैं मैनेज करने वाला, यहाँ पे बस कितने सेगमेंट्स होने चाहिए, देखो यहाँ पे एक मेरे पास यहाँ पर होल्डिंग का पार्ट है, यहाँ पे यहाँ से पार्ट देखा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, यहाँ पे इतना जो पार्ट है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये सेप मेरे पास ऐसा आया, तो यहाँ पे इनको भी मैं धीमे धीमे वन बाय वन करके डील करने के, वन बाय वन करके डील करोगे। जैसे मैंने एक सेगमेंट रखा, फिर मैं इसके एक को छोड़ के आपको दो सेगमेंट इसके बगल में सेलेक्ट करो, एक को छोड़ो दैन दो आप यहाँ पे आप होल्ड करो, तो ऐसे करके थोड़ा सा आपका काम और आसान हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हाँ ऐसा अगर करने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़े तो किया जा सकता है क्या। यहाँ पे आप 3-4 भी ऐसे ले सकते हो, यहाँ पे लगे कि थोड़ा सा नीड है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सेगमेंट्स और ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। कॉर्नर पे थोड़ा सा लेने के, हमें लूप लिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड डिलीट ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी जैसे इनके सेगमेंट्स के साथ मैं देखना, जैसे ये पार्ट मेरे को दिखा है यहाँ पर, मुझे अभी कितना पार्ट थे यहाँ पे, देखो यहाँ पर दिख रहा है इन दो तीन वाले पार्ट को मैं यहाँ पे रखूँगा यहाँ पे, जैसे ठीक है भाई, मुझे यहाँ पे कर्व मेंटेन करना है, तो इन कर्व मेंटेन करने के लिए पे कुछ सेगमेंट्स को मैं ऐसे भी रखने वाला हूँ जिसको मुझे थोड़ा सा ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़े यहाँ पे, ये धीमे धीरे आपको एक बार नॉलेज में आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे काम किया तो मैं ऐसे कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शेप में पास यहाँ पे अभी मुझे कई शेप्स को मुझे ऐसे मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। यहाँ देखो यहाँ पे सेगमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे ये जो सेगमेंट देख रहे हैं ये मैं उस कर्व में जा रहा था, मुझे यहाँ से पहला काम ये पार्ट मैंने अब सेट किया, यहाँ से आप लो, ठीक है, एक धीमे देखो ये कॉर्नर पर आपको 2 से 3 सेगमेंट आपको रखने, तो 2 से 3 तक तो ठीक है, 1, 2, 3 यहाँ पर देख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे देखो ये मैं उस कनेक्टिविटी कहाँ जा रहा है, डबल क्लिक करके देख लो आप यहाँ पे, सेगमेंट स्लो आपने सही देखा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो दिक्कत है यहाँ पे, देखो देख रहे हैं आप, इतने तक मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, ये और इसकी नीट नहीं है मुझे यहाँ पे, मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, धीमे धीमे वो चीज़ आपके पास यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्व है यहाँ पे, देखो अपने बच्चे को जो भी बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, कुछ चीज़ों का ऐसे भी होता है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे बस जो कर्व दिख रहे हैं भाई यहाँ, तो यहाँ पे कर्व, इन कर्व को मैं आपको मेंटेन करना बताऊँगा, वैसे यहाँ से पहले तो रिमूव कर दें यहाँ पे।
जैसे मुझे इन कर्व है, इस कर्व को रखना है, और मैं इन कर्व को रखने के साथ यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4 देखें यहाँ पे सेप आपका ख़राब नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे चूँकि ऐसे भी मैनेज करके दिखाने वाला कि आपने यहाँ पे किया। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने जितने पार्ट मैंने यहाँ पे जोड़ा, ठीक है, ये बीच वाले सेगमेंट्स को मैं नील कर सकता हूँ। यहाँ पे कितने आए, 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे देखना, ये सेलेक्ट करो आप, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको यहाँ देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपने सेट किया 1, 2, 3 एंड 4 शिफ्ट एंड मर्ज टू सेंटर, ठीक है। बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी नीड नहीं है, आप चाहो रिंग एंड कोलैप्स कर दो यहाँ पे, ठीक है, जी प्रेस कर दो, रिपीट कर दो यहाँ पे, देन ऐसे कर दो। यहाँ पर मुझे टर्न की नीड है, यहाँ पे मैं रखूँगा, यहाँ पे लगता है मुझे कर्व देना है, तो यहाँ पर चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज करने वाला हूँ। तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पे काम करना है कि आपको यहाँ पे सेगमेंट देखना है कि यहाँ पे कितना कर्व है, आपको लगता है यहाँ से भी कुछ कर्व मिले तो आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया यहाँ पे दिस वन, ठीक है। तो पहला एक आपका ये एक्सरसाइज है जिसको आप थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पर काम और आसान हो जाना है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे लगता है इसको ठीक है, यहाँ पर देखो धीमे धीरे ये आपका देखो ये आपका हाई प्रेस दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये धीमे धीरे आपको यहाँ पे डील करना स्टार्ट करो तो आपका काम और आसान हो जाना है। पर यहाँ क्रॉस चेक करो, 1, 2 यहाँ पे सेलेक्ट करो, 1 एंड 2 सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, ये यहाँ पर क्रॉस चेक करना है कि लूप की कनेक्टिविटी भी देखना है क्या। अगर मैं यहाँ पर लूप कर रहा हूँ, ये लूप मैंने किया तो लूप की कनेक्टिविटी कैसे आ रही है, ये भी कहता हूँ ये भी कंडीशन उस पर इम्प्लीमेंट होता है जब आपने जो मॉडल कर रखा है लूप को इस चीज़ को मैनेज कर रखा है। तो यहाँ पर आपने किया ना, यहाँ पे यहाँ पर देखो यहाँ पे ये शेप कैसे जा रहा है, यहाँ पे ये आपका अभी यहाँ पर फ्लो अगर आपका सही हो तो आपको चीज़ों को मैनेज करने, तो अदरवाइज मैं यहाँ पे इसको मैं मैनुअल भी डील करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखें मैं बस ये सेगमेंट्स का जो फ्लो होना चाहिए था वो कैसे जाना चाहिए था, ये फ्लो यहाँ से या तो यहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ जाना चाहिए था, ठीक है, या फिर नीचे तरफ जा रहा है तो नीचे तरफ जाना चाहिए, जो स्पैकुलर पॉइंट है ना यहाँ पर, स्पैकुलर पॉइंट को कैसे आपको डील करना, तो ये स्पैकुलर पॉइंट आपका नहीं खराब होना चाहिए। देखो हमने यहाँ पर चीज़ को मैनेज किया लेकिन वो लाइन ब्रेक नहीं हुआ, अगर आपको लाइन ब्रेक नहीं है तो आप यहाँ पे काम अच्छे से कर सकते हो क्या। तो आप इसको भी थोड़ा सा देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे दिस वन ये देखो यहाँ पे जिसने रुक गया ना, पे ये दिक्कत है, तो इसको एक बार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मुझे इसके साथ भी डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बस एक कॉर्नर पार्ट है, इसको मैं छोड़ना पड़ेगा, तो ये पार्ट में अगर मैं यहाँ से लूँगा ना, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे इसको जस्ट छोड़ दिया मैंने, धीमे धीमे इनको इन चीज़ को समझोगे। देखो यहाँ पे अभी मुझे इसके अंदर इसकी नीड नहीं है, फ्लैट है यहाँ पे, ठीक है, इसको छोड़ दो, 1, 2 यहाँ पे 3 शिफ्ट एंड डिलीट, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी ठीक है, ये देखा भैया सिंपल सा पार्ट, ये रिंग एंड कोलैप्स यहाँ पे करो, ठीक है, धीमे धीमे इन चीज़ को मैनेज करोगे तो ये आपका काम आसान करने वाला है। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अभी इनमें से भी मैं अगर मैं चाहूँ इसको भी और मैं लो पॉली करना चाहता हूँ, मैं ये रिंग एंड क्लब्स ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तीन तीन के सेगमेंट्स का अभी रिसॉर्ट बना के आप मैनेज कर सकते हो, अपने इतना काम कर दें यहाँ पर, ठीक है। हाफ आपने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ देखो तीन सेगमेंट्स आपको देख रहे हैं, अभी यहाँ पे देखो सेगमेंट्स कौन से रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव पॉसिबल है, कर दो आप यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा देख लेना, देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखें अभी एक सेगमेंट बस यहाँ पे ये देखना है, ये कॉर्नर पे है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे रिमूव करना तो यहाँ पे मेरे पास दिक्कत आने वाली है, ठीक है। यहाँ देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पार्ट आपका डायरेक्ट इधर भी ये भी आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं अभी, दिस वन ये आपका यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को इज इट पॉसिबल, मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, ये भी एक पार्ट आपका यहाँ पे निकल गया है, यहाँ पे हमने सेट किया, ठीक है। अभी मुझे लगता है यहाँ से मैं एक आध पॉलीगन भी मैं सेव करता हूँ तो मैं बस यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, ये जस्ट जी प्रेस कर दें अभी, तो ये आपका काम धीमे धीमे आप धीमे धीमे आपको ऐसे क्या करना है, सब कम करते जाओ, ये तो आपके एक प्रोसेस आपके यहाँ पे जाएगा। शेप में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, शेप आपको यहाँ पे जो कॉर्नर पार्ट है आपको 1, 2 और 3 है जिस तक आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये भी इसके पीछे भी रीजन बताता हूँ, जैसे हमने काम किया ना यहाँ पे, जैसे वो शिफ्ट एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट एक सिलेंडर लिया यहाँ पे, ठीक है, फोकस करते हैं अभी ये जो सिलेंडर है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। सिलेंडर में क्या करता है, जब मैं इसे बेक करने जाऊँगा तो बेक करने में यहाँ पे क्या काम होता है,
कि मैं चीज़ों को तो समय मैनेज करें पहले से। यहाँ पे मैंने क्या किया उनको, मतलब बेकिंग का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही लो क्वालिटी में निकाल दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बस ये मैंने सेगमेंट दिया यहाँ पे, ठीक है, 50 राउंड दिया। 50 राउंड में कैसे देखना है, टॉप पर जाओ, राउंड देखना चाहिए क्या, ठीक है। यहाँ पे गए, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसी को जस्ट जो भी हम लोग काम करें मेक श्योर इसका कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कॉपी कर लेना। क्या पे एडिट में गया, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। प्लेस में नहीं, अभी जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे दिस वन, एंड मैंने यहाँ पे कर दिया बेवल, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पे आपका 0.3 है, मैंने सेट कर दिया, बहुत ज़्यादा है, 0.03, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट्स क्या देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सेगमेंट्स जो दूंगा इसको मैं थोड़ा तो और मैनेज कर दूँगा। 3 किया मैंने, इसको मैंने और थोड़ा सा काम करना है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने कर दिया 4 एंड 2 करके देखा मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर याद रखना जब आप जा रहे हो तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स आपको याद रखना है, ठीक है। सेगमेंट्स आप यहाँ पे 6 के अराउंड रखोगे यहाँ पे, यहाँ पे तो ये इनको देखो। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, इनका बेकिंग का प्रोसेस क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, दोनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक असाइन, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ब्लेंड डाल दिया यहाँ पे। अभी गेमिंग में तो ये स्पैकुलर पॉइंट हमेशा दिखेगा, ठीक है, ये देखना है यहाँ पे। अभी यही काम इस पर दिखना चाहिए, ठीक है। हाई पॉली का मतलब ये नहीं कि सब में हम लोगों ने सपोर्टिंग ही डाल दिया, स्मूथ डाल दिया तो ये हाई पॉली, ये हाई पॉली में काउंट हो जाता है। अभी इसी को अगर मैं यहाँ पे काम करता, देखो मेरे पास ये पार्ट है ना, मेरे पास यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसका पोजीशन दी, मैंने कॉपी पेस्ट किया इसको इसको, ठीक है। टॉप पे गए, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसकी पोजीशन मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो पोजीशन मैं सेट कर रहा हूँ इसको मैं एक चीज़ और ध्यान देता हूँ क्या, कि मेरे पास जो सिलेंडर आया वो ये है, ठीक है, एच फॉर हाइट। यहाँ पे मैंने इसको डिलीट किया, मैंने बाई डिफॉल्ट सिलेंडर ही लिया, ठीक है। सिर्फ राइट क्लिक करें सिलेंडर, वो अपने आप पोजिशन पा जाएगा आप, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे देखो सेगमेंट्स 20 है, ठीक है। अभी ये यही काम मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हाई है, ये मैं बस यहाँ पे लो भी दिखेगा, यहाँ पे बेवल है, ये वाला पार्ट यहाँ पे लो दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे फॉर अ टाइमिंग यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ कितना था, मैक्सिमम था 50। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे बेक करना है। बेक करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, मेस है ना, यहाँ पे क्या होता है मेस में गया, ट्रांसफर एट्रीब्यूट, ट्रांसफर एट्रीब्यूट में जाते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या गया, रेंडरिंग है ना, और देन यहाँ पे कहाँ गया बस ट्रांसफर मैप है ना, ये बटन मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मुझे ट्रांसफर मैप करना, तो मेरे पास पहले प्रोसेस क्या था, सोर्स में मेरे पास हाई जाने वाला है, ठीक है। तो हाई मेरे पास कौन सा है ये देखो यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर ये आपको बार बार कन्फर्म ना करना हो तो आप यहाँ पे डालो हाई, ठीक, ये हाई आ गया। इसके बाद मेरे पास ये आ गया लो, ठीक है, कुछ आते नहीं, क्रॉस कर लो यहाँ पे, ये आपका आ गया लो, ठीक है। लो मॉडल आपका अनरैप होना चाहिए, मेक श्योर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका लो मॉडल आपका अनरैप है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये अनरैप नहीं है तो काम नहीं करेगा, तो यूवी बाय डिफॉल्ट अनरैपिंग पे ही काम करें है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग गए सिंपल सा पार्ट, लो ये है, तो लो को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया यहाँ पे, क्लियर ऑल ऐड, ठीक है, एच फॉर हाइट, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए मैंने सोर्स को मैंने हाइट ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये दोनों पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ से मैं अगर देखो मुझे नॉर्मल मैप चाहिए, नॉर्मल लेने के बाद बाई डिफॉल्ट चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी कुछ है बेक एंड क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी अगर मैं यहाँ से देखो मेरे पास लो है, ठीक है, और 6 प्रेस कर यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉर्नर्स पार्ट दिख रहे हैं, ये जो पार्ट चाहिए उनको ये पार्ट ये निकाल के लाना होता है। अभी ये पार्ट लाने के लिए यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे चीज़ें अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया से दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। कुछ कॉर्नर से बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जगह पर आप यहाँ पे देखोगे ना, वो चीज़ उतना बैलेंस नहीं दिखेगा। तो राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, इनमें आपको क्लीन करने का प्रोसेस भी है, मैंने कुछ चैनल पर ऐसे भी डाला जहाँ पर आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सको, क्लीन भी करके दिखा सको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो छोटे छोटे जो कॉर्नर वाले पार्ट है ना, इन चीज़ों को सही करना होता है क्या। जैसे मेरे पास देखो यहाँ पे जो यूवी है यहाँ पे सेट में, तो ये देखो यहाँ पे कैसा है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे ये चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास क्या कॉर्नर्स मेरे पास, अभी अगर मैं देखूँ विजुअल को, तो मैं कुछ जगह पर कॉर्नर्स बहुत बढ़िया आ गया,
बेकिंग का मेन पार्ट ये होता है कि आप इन चीज़ों को यहाँ पे लेकर जाओ, ठीक है। इनमें आपको कम से कम सेगमेंट करना पड़े। अभी जैसे यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जस्ट बेसिक से मैंने किया कि भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेक किया, ये मैंने काम यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी फॉर टाइमिंग अगर मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, सेलेक्ट किया, ठीक है, बेवल, ठीक है, फ्रिक्शन किया मैंने 0.001, 1 10 करते हैं, ठीक है, वन कर दें, ठीक है। इतना बट हुआ यहाँ पर। अभी इसको देखो, यहाँ पर मैंने काम किया, अभी इस पे चीज़ आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी, ठीक है। सबसे पहला काम सॉफ्ट एजेस का भी होना जरूरी है यहाँ पर। दूसरी चीज़ ब्लैक मैंने यहाँ पर लैम्बर्ड में चेंज कर देता यहाँ पर, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर, अभी ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आया, इसको वापस बेक करके देखो आप यहाँ पर। 0 अननैपिंग आपको यहाँ पर ध्यान देना है, तो यूवी में गए, यूवी एडिटर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब चीज़ को मैनेज किया, यूवी टू सेल, ठीक है, थोड़ा सा मैंने प्लेसमेंट चेंज किया, लेट्स सी। अभी यहाँ पे मैंने जो काम किया, मैं बस कौन सा पार्ट है यहाँ पर, ये हाई है, ठीक है, हाई हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हाई का मैंने कर दिया एच फॉर हाइट, ये मेरे पास लो है, ठीक है। वापस गए, कहाँ गया मैं, सर रेंडरिंग, ठीक है, लाइटिंग सेटिंग यहाँ पे गया, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, लो है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, एड ऑन कर रखा है। यहाँ पे मैं एनवेलप ये सब काम करूँ, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ये देखो ये मेरे पास लो है एच फॉर हाइट, यहाँ से आपको नाम देख लेना, हाई है तो मैंने हाई यहाँ पे एड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच यहाँ पे करूँ, देन वंस अगेन आपको फिर से यहाँ पे काम करना है, रिमूव करके एक बार चेक करूँ, ठीक है। सेम चीज़ साइज में छोटे पे काम कर रहा है, ठीक है, बेक एंड क्लोज किया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब मैं बेकिंग क्लोज में काम कर देखा यहाँ पे, मैं सॉफ्टनेस ये दिख रहा है, सॉफ्टनेस में बस यहाँ पे आना स्टार्ट हो यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉर्नर्स पार्ट है यहाँ पे, इन कॉर्नर्स पार्ट को मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो यहाँ पे कैसा है, कॉर्नर्स में बस कितने स्मूथ आ रहे हैं और कितने में बस लाइक लाइन वाइज यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ इसके इसको एक और ऑप्शन में भी हम लोग नीट एंड क्लीन कर ले देंगे। मैंने बेकिंग किया, बेकिंग करने बाद इस वाले पार्ट को पॉज से देखो, यहाँ पर हार्ट्स आ रहा है, क्वालिटी लो है, छोटा रहा है यहाँ पर, देखा नॉइजी नॉइजी आ रहा है, तो वो इम्पैक्ट देता है क्या। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये इसको हम लोग यहाँ पे क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन कहाँ पर होता है, जब हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करते हैं यहाँ पर, तो ट्रांसफॉर्म मैप मैप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। साइज़ बड़ा करो यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पर होगा, एडवांस में गए और यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिल्टर साइज़, इसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। फिल्टर साइज़ को थोड़ा सा मैनेज करो तो आपका काम थोड़ा सा और बेटर होगा आगे, प्लस में थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ मैनेज करो। तो ये सब चीज़ आपको वहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किस टाइप की चीज़ों को आप कैसे मैनेज करके दिखाओगे यहाँ पे। जब तक आपका प्रॉपर स्पेसिंग काम नहीं करेगा, प्रॉपर चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे, ऊपर से आपको सॉफ्ट एजेस के अंदर आपको डील करना पड़ेगा तो उसमें काम करोगे। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि काम नहीं हुआ तो आप मैप भी क्लीन कर सकते हो। मैप क्लीन का प्रोसेस नहीं देखो, जब हम फोटोशॉप में जाएंगे जिस कॉर्नर जितने भी कॉर्नर पर देखें भाई, इस कॉर्नर को थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। एक आध मैंने टिप्स मैंने दिया है, दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। देखो इसमें एक बार देखो ना, यहाँ पे कुछ आइडिया मिलेगा, इसमें इसमें मैंने दे रखा है यहाँ पे, और देन इसके अंदर मैंने एक आध पार्ट में क्लीन का पार्ट भी मैंने बताया। बेकिंग की इतनी सारी चीज़ें हैं, एक बार ट्राई करोगे तो आइडिया मिल ही जाना है, ठीक है। मैंने कहा एक जीबस एक मॉडल था, उसमें मैंने क्लीन किया है, जैसे इसको भी देखो, इसमें भी हमने कुछ बेकिंग में कुछ काम करके दिखाया यहाँ पे। एलओडी में ये था ना हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखोगे तो थोड़ा सा काम है, बेसिक क्या सरफेस पे आपको काम करना चाहिए। इस वाले पार्ट में जाओगे तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी काम करते हैं, जब हम लोग चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, यहाँ पे मैं मैप लेकर तो मैप लेके आने के बाद मेरे पास यहाँ पर कई बार ऐसी चीज़ें मिलती हैं, मैंने काम किया यहाँ पर कई चीज़ नहीं आती, तो मुझे यहाँ पर जाके लाइक मैंने एक बार फोटोशॉप में टचअप दिया है, ठीक है। इसी सिमिलर एक और भी वीडियो है देखना एक बार, तो उसमें ये चीज़ मैंने दिखा रखा है कि भाई कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो और कैसे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो क्या बेकिंग के अंदर, ठीक है। शायद इसमें होगा तो फर्स्ट करोगे वहाँ पे तो क्लीन करने का एक ऑप्शन होता है क्या, फोर्स में जाकर सेम कलर पिक करो और उसे आप मैनेज करो तो मैनेज हो जाएगा क्या। तो मेन चीज़ क्या है आपको, बस ये साइनिंग और ये प्रॉपर बेसिक पार्ट आप यहाँ पर लेके अगर आ जाते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ इसको आपको ब्लेंड पे रखना पड़ेगा, ब्लेंड में रखोगे तो नीचे आप यहाँ पे देखेंगे साइनिंग दिखना पे ये वाला पार्ट, यही चीज़ आपको मेंटेन करना है यहाँ पे ये पार्ट। इनकी यूवीज को भी थोड़ा सा आप देखोगे ना, फिर देखो यहाँ पे यूवीज में क्या है, यूवीज को अगर मैं थोड़ा सा देखो तो यूवीज को देखो, यहाँ तक यूवीज ठीक है,
तो ऐसा पार्ट है यहाँ पे, यहाँ पे भी थोड़ा अलग है, तो उसमें भी ऐसा हो जाता है। हार्ड और सॉफ्ट एजेस के आप डील करोगे, देखिए ये ना सॉफ्ट एजेस, ठीक है, यहाँ पर आपने सेट कर दिया सॉफ्ट एजेस, तो वो चीज़ भी आपके यहाँ पे बेकिंग में काम करेगा। जब तक आप इसे बेकिंग में बहुत प्रॉपर मैनेज नहीं करो तब तक वो चीज़ बहुत बढ़िया नहीं दिखेगा। देखो ये एंगल के ऊपर नहीं दिखा, अभी इसी मैप को अगर मैं बेक करके, अगर मैं बेक किया इसको, मैंने अभी क्या कर दिया, सपोज जो कॉपी पेस्ट यहाँ पे मैं कितना सेगमेंट 20 है, इसको मैं 10 भी करूँगा ना यहाँ पे, तो ये वाला मैप का इम्पैक्ट इसमें यही आने वाला है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या, जैसे हमने ये काम किया ना, अभी इसके अंदर भी मुझे यही काम करना है क्या, सेम चीज़ के अंदर मैं अगर मैं लो पॉली मैस अगर मैं मैनेज करता जाऊँगा ना अभी, तो मेरे पास अभी ईजी हो जाएगा मेरे पास। अभी इसको कितना कम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं कम करने पाऊँगा, तो यहाँ पे मैं चीज़ को इधर से इधर, देखो यहाँ नीड है तो मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, ठीक है, एक एक करके आप मैनेज कर दो, आप यहाँ पे चीज़ देखेंगे अभी, ये दिस वन तो आप ऐसे भी निकाल दे, कम कर दे, देखो ये दोनों एक साथ हो गए, दोनों को एक साथ नहीं करना क्या, ध्यान रखना ट्रायंगल ही हो, ट्रायंगल और क्वाड के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, पेंटागन सेक्सागन ये नहीं होना चाहिए, वो फिर काउंट में नहीं आएगा। दो के साथ डील करो, दो के साथ डील करो यहाँ पे, अगर लगता है आपको तीन के साथ डील करना है, आप तीन के साथ भी डील कर सकते हैं, फिर धीमे धीमे वो आप उस लेवल पे आ जाओगे जहाँ पे आपको लगेगा अच्छा हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे निकल जाएंगे। यहाँ पे इधर का मैंने देखो, यहाँ पे जहाँ पे नीड है वहाँ पे मैं रखूँगा, यहाँ नीड नहीं है, यहाँ पे नीड है, मैंने कर्व मेंटेन किया यहाँ पे, ये कर्व मेंटेन रहना चाहिए, देखो ये कर्व मेंटेन रहेगा, इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को सॉफ्ट एज पे करोगे यहाँ पे, ठीक है, देखो ये पार्ट आपके यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आपको लगता है आपको हार्ड देना तो आप हार्ड कर सकते हो, बस सॉफ्ट एज में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं क्या, तो ऐसे करके तो उसे मैनेज करोगे, इसकी नीड नहीं है तो छोड़ दें, आप सेप खराब नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लगे ना कहीं सेप आपका गया, जहाँ पर सेप खराब हुआ तो वहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना, मैंने सेफ टेन डिलीट किया, ये सेप खराब हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको मैं हटा नहीं सकता, लेकिन इसको मुझे मैनेज करना होगा, तो मैं इसके आसपास के सेगमेंट के साथ मैं बैलेंस कर सकता हूँ। एक प्रोसेस ये है जिसके साथ आप डील करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, जैसे में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन हाँ जितने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये सब होता है ना व्हीकल में, वो सब में इसमें ऐसे ही काम होता है। अब व्हीकल में सोचो आपके पास आपको टायर का वो करना है, डिटेलिंग भी चाहिए, जो टायर होता है टायर को आपको डिटेलिंग भी चाहिए, और उसके अंदर आपको लाइक लो पॉली भी बनाना है, तो एक मॉडल करने में टाइम लगता है, फिर उसको और आप करोगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, तो उसमें इस टाइप की चीज़ों को भी यूज़ करते हैं। देखो अभी ये आपके सामने यहाँ पे ये देखो, अभी ये आपने ये मैच रखा, इन मैच के साथ आप डील कर सकते हो, शेप मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपकी बेकिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जब आप यहाँ पे काम करोगे ना आप, तो देन यहाँ पे देखो फिर इसके अंदर ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसको, इनको भी मिनिमम इतना लेके चलो, इसमें तीन तीन पार्ट मेरे पास यहाँ पास का, तीन चार अगर आपको नहीं देता है, ठीक है, मेक श्योर थोड़ा सा देख लेना आप, कोई चीज़ आपको देख लेना, कुछ यहाँ पे कुछ आप सेगमेंट्स मेरे पास रहने चाहिए, नहीं पता चले, क्योंकि सेगमेंट देखना पे मुझे ये सेगमेंट्स को मुझे डील करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मैं एक एक आध को मैं मैनुअल भी डील करके दिखाऊंगा आपको, कि मैनुअल अगर मैं डील करना पड़े तो मैं मैनुअल भी यहाँ पे लेके चलूँगा आप, 1 2 एंड यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे करके काम कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा पार्ट आपको मिल जाएगा कि अगर आप यहाँ पे काम करना तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी भी नीड है, तो मैं देखो अगर मैं इसको अगर हटा के देखता हूँ मैं बस इसके सिवाय, तो बैलेंस कर देखते हैं, मुझे अगर इसके साथ ही मैनेज करता तो मैं मैनेज करता हूँ, तो यहाँ पे आप ऐसे डील करो, ठीक है। हेलो,